नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापूसाहेब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम एमए भाग एक 2019-20 ईस्वी में पुनर्रचित पाठ्यक्रम में मध्ययुगीन हिंदी काव्य इस विषय के अंतर्गत पहली इकाई में मलिक मोहम्मद जायसी के अंतर इस टॉपिक के अंतर्गत पद्मावत की भाषा इस विषय पर विवेचन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, साहित्य में या जीवन में भाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। काव्यशास्त्र की दृष्टि से भाषा में दो प्रकार की बातें होती है या दो प्रकार की चीजें होती है। एक किसी भी काव्य का भाव पक्ष तो दूसरा काव्य का कला पक्ष। भाव, विचार, कथ्य, संदेश आदि भाव पक्ष के अंतर्गत आते हैं, तो भाषा छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब आदि सभी जो काव्यशास्त्रीय उपकरण हैं उन सब का समावेश कला पक्ष के अंतर्गत होता है। और किसी भी काव्य की महत्ता, किसी भी काव्य की श्रेष्ठता में, किसी भी काव्य की महत्ता श्रेष्ठता में भाषा और कला पक्ष के उपकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि काव्य में सबसे पहले सामने आने वाला घटक होती है भाषा। क्योंकि कोई भी कवि अपने भाव, अपने विचार, इनकी अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करता है। कवि जो कुछ लिखना चाहता है, जो कुछ कहना चाहता है, वह भाषा के माध्यम से तो लिखता है। और यही कारण है कि भाषा को काव्य में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। जैसे अगर कला पक्ष में या काव्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, भाव पक्ष अगर कवि की आत्मा या काव्य की आत्मा है, तो कला पक्ष उसका शरीर है। और कला पक्ष में भी सबसे ज्यादा महत्व भाषा का है। भाषा में अलंकार, छंद, बिंब, प्रतीक वगैरह ये सारी चीजें मिलकर भाषा बनती है। भाषा कोई अकेली चीज नहीं है। और इन सब दृष्टिकोणों से अगर हम विचार करें तो मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के एक अत्यंत श्रेष्ठ रसवादी कवि हैं। उन्होंने एक अत्यंत श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना की है, पद्मावत। पद्मावत में उन्होंने जितना अधिक भावों का चित्रण किया है, जितना अधिक भाव पक्ष को महत्व दिया है, उतना ही कला पक्ष को भी महत्व दिया है। और कला पक्ष के सभी उपकरणों का अत्यंत मार्मिक, प्रभावी और आकर्षक प्रयोग उन्होंने किया है। भाषा की दृष्टि से पद्मावत एक अत्यंत सौंदर्यात्मक रचना मानी जाती है। कुल मिलाकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के अंतर्गत अवधी भाषा का प्रयोग किया है। वास्तव में इस मध्यकाल के अंतर्गत अवधी और ब्रज ये दो भाषाएं साहित्यिक दृष्टिकोण से विशेष रूप से प्रचलित रही है। और इसी में कविवर जायसी ने अवधी भाषा को अधिक महत्व दिया या अवधी भाषा के माध्यम से अपने भाव, अपने विचार उनको व्यक्त करने का प्रयत्न जो है वह कवि करते हैं। अब अवधि का अत्यंत सौंदर्य युक्त एवं कलात्मक प्रयोग हमें जायसी के इस काव्य में, विशेषता पद्मावत में, पूरी मार्मिकता के साथ दिखाई देता है। अब इस पद्मावत की भाषा को हम कुछ मुद्दों के सहायता से उसका विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे जनभाषा का प्रयोग। जायसी ने अपने काव्य में जिस अवधि भाषा का प्रयोग किया है, वह सामान्य लोगों के बोलचाल की भाषा है।
वह जनसामान्य की भाषा है अर्थात अवध प्रदेश, अयोध्या और उसके आसपास का जो प्रदेश है वह अवध प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस अवध प्रदेश के लोगों की, जनसाधारण की बोलचाल की भाषा को जायसी ने अपनी काव्य भाषा के रूप से अपनाया है और इसका कारण ये रहा होगा कि जायसी अपने भाव, अपने विचार अधिक से अधिक लोगों तक ले जाना चाहते हैं। अब जब कोई कवि अपने भाव, अपने विचार अधिक से अधिक लोगों तक ले जाने की कोशिश करता है तो निसंदेह वह जनभाषा को अपनाता है, क्योंकि जनभाषा से ही वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। क्योंकि शुद्ध या परिनिष्ठित भाषा समझने वाले, बोलने वाले लोगों की संख्या सीमित होती है, उसकी तुलना में बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है। जायसी ने भी कृत्रिम, परिष्कृत या बहुत अधिक परिमार्जित भाषा का प्रयोग न करते हुए सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया ताकि अपने भाव, अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके और उस माध्यम से लोगों में एक जागृति या एक अलग भावना निर्माण की जा सके। जायसी की जो सामान्य भाषा है वह अत्यंत माधुर्य युक्त है, क्योंकि उसमें ग्रामीण जीवन की मिठास है, उसमें ग्रामीण जीवन की सहजता और स्वाभाविकता है, उसमें तत्कालीन बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। मतलब जो बाहरी साज श्रृंगार है या जो बाह्य सजावट है उसे जायसी ने अपने काव्य में पद्मावत में अधिक स्थान नहीं दिया है, बल्कि पद्मावत में नेचुरल भाषा, साधारण लोगों की बोलचाल की भाषा या नैसर्गिक भाषा को वे अधिक महत्व देते हैं, जो अत्यंत उज्ज्वल, सुंदर और मनोहर है। ऐसा कहा जाता है कि जायसी के पद्मावत में ठेठ हिंदी का ठाठ देखने को मिलता है। दूसरा है व्यापक शब्द भंडार। अब किसी भी भाषा में शब्द भंडार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कवि का शब्द भंडार जितना अधिक व्यापक होता है उसकी भाषा उतनी ही उसके वशवर्तिनी होती है, अर्थात उसके वश में होती है। जायसी मूलतः मुस्लिम या सूफी संत थे, लेकिन सूफी संत होने के बावजूद उन्होंने अवधी भाषा को अपनाया था, क्योंकि अवधी भाषा का काफी अच्छा ज्ञान उन्हें प्राप्त था। दूसरी ओर उनका अवधी का शब्द भंडार भी बहुत ही व्यापक था और यही कारण है कि जायसी ने अवधी, इस लोक भाषा को मुख्य रूप से पद्मावत की भाषा बनाया है। तीसरी ओर जायसी ने अपने काव्य में विभिन्न प्रकार के शब्दों का अत्यंत मार्मिक प्रयोग किया है, जिनमें तत्सम शब्द, अर्ध तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द, इस प्रकार के अनेक प्रकार के शब्द हमें जायसी की कविताओं में दिखाई देते हैं। जो शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं या जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। पद्मावत में जहां जहां जरूरत पड़ी है वहां वहां जायसी ने तत्सम शब्दों का अत्यंत मार्मिक प्रयोग किया है, जैसे इंद्र, इंद्रसेन, शिव, पार्वती, लक्ष्मी, समुद्र, विभीषण, कंचन, कनक, गजपति, इस प्रकार के अनेक तत्सम शब्द हमें जायसी की कविताओं में मिलते हैं। दूसरा है अर्ध तत्सम शब्द। जायसी ने ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है कि जो थोड़े से परिवर्तित होकर या थोड़े से बदलकर आए हैं, जैसे अगिनी, संस्कृत, अवरण, अपूर्व, दिहटी, असुमेध, ऐसे शब्द हैं जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। ऐसे थोड़े से परिवर्तित अर्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग भी हमें पद्मावत में देखने को मिलता है। तीसरी ओर तद्भव शब्दों का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग पद्मावत में हुआ है, क्योंकि तद्भव शब्द किसी भी भाषा के अपने शब्द होते हैं और ग्रामीण या जनभाषा में
तद्भव शब्द ही अधिक मात्रा में मिलते हैं और इस प्रकार के ग्रामीण बोलचाल में प्रचलित या ग्रामीण जीवन के साथ घुले मिले जो सारे शब्द हैं उनका कवि ने अत्यंत मार्मिक प्रयोग या अत्यंत प्रभावी प्रयोग अपने कविताओं में या अपने पद्मावत इस महाकाव्य में किया है। चौथा है देशज शब्द। सामान्यतः अज्ञात युत्पत्ति मूलक या देसी भाषाओं से जो या देसी बोलियों से जो शब्द आते हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जायसी ने इन देशज शब्दों का भी अत्यंत मार्मिक प्रयोग किया है, जैसे कौल, झरक्की, चरक्की, छप्पर, थूनी, बांस, ये ऐसे शब्द हैं कि जो कहाँ से आए या इनकी उत्पत्ति क्या है इसके बारे में निश्चित पता नहीं है। तो इस प्रकार के अज्ञात उत्पत्ति मूलक शब्द हमें पद्मावत में व्यापक मात्रा में देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर विदेशी शब्द। यद्यपि जायसी के समय तक अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाएं भारत में तो नहीं आई थी, लेकिन अरबी, फारसी, उर्दू इन भाषाओं का प्रचलन निसंदेह भारत में हो चुका था और ऐसी परिस्थिति में उनके प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना लाजमी भी था। दूसरी बात, जायसी स्वयं मुस्लिम धर्मीय होने के कारण अरबी, फारसी, उर्दू शब्दों से उनका काफी अच्छा परिचय था और यही कारण है कि जायसी ने पद्मावत के अंतर्गत मुस्लिम धर्म की अरबी, फारसी या उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग जो है वह काफी मात्रा में किया है। लेकिन जायसी की खासियत ये रही है कि उन्होंने किसी भी अनगर या किसी भी मुश्किल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि जो शब्द समाज में प्रचलित हो चुके हैं, जो शब्द समाज में चलने लगे हैं, ऐसे ही विदेशी शब्दों का प्रयोग वे करते हैं, जैसे खुदा, अल्लाह, गवाह, बंदा, सैनिक, सुल्तान, बादशाह, पिंजर, दीन, फर्जी, पीर, गुरुद, मोहरा, ये सभी ऐसे शब्द हैं कि जो समाज में प्रचलित हो चुके हैं, इनका प्रयोग हमें जायसी की कविताओं में, जायसी के काव्य में देखने को मिलता है। तो ये हुआ शब्द भंडार के बारे में। तो इन सबके आधार पर एक बात निश्चित हम कह सकते हैं कि जायसी का शब्द भंडार अत्यंत व्यापक है, लेकिन दूसरी ओर मुहावरे, कहावते, लोकोक्तियां, इनका भी जायसी ने अत्यंत मार्मिक या अत्यंत प्रभावी प्रयोग जो है वह निसंदेह किया है, क्योंकि मुहावरे, कहावते या लोकोक्तियों के प्रयोग से काव्य प्रभावी बनता है, आकर्षक बनता है, उसमें एक अर्थवत्ता आती है। तो इस प्रकार की अर्थवत्ता, इस प्रकार का प्रभाव लाने के लिए जायसी ने इनका प्रयोग निसंदेह व्यापकता के साथ किया है। विशेषतः जायसी जनजीवन में प्रचलित मुहावरों का या कहावतों का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं। अब मुहावरे, कहावतों का लाभ ये होता है कि आप कम से कम शब्दों में कोई बड़ी बात या कम से कम शब्दों में एक गहन अर्थ की अभिव्यक्ति कर सकते हो और ये निसंदेह जायसी ने अवश्य किया है। जैसे दोसर नहीं जो सकरी पावा, अर्थात बराबरी न करना, घर का भेदी लंका सो सूटी, लंका सो लूटी, अर्थात घर का भेदी लंका ढाए, वज्रही तिनके करी उड़ाई, अर्थात वज्र को तिनका कर देना, जिनके घर सासुनी तरुणी है वो बहुवन को कौन संगार या कौन श्रृंगार, अर्थात बड़े व्यक्ति के होते हुए छोटे व्यक्ति को महत्व न मिल पाना, मिटी न जाई लिखी जैसी हुई, भाग्य में जैसा लिखा होता है वही होता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, यहूमन कठिन है मरे नहीं मारा, ये मन बड़ा कठिन होता है मरने से नहीं मरता, इस प्रकार के अनेक मुहावरे, कहावतें हमें जायसी के काव्य में अपना सौंदर्य बिखेरते हुए दिखाई देते हैं। चौथा है शब्द शक्तियों का प्रयोग। जायसी ने शब्द शक्तियों का भी अत्यंत मार्मिक, अत्यंत प्रभावी प्रयोग पद्मावत में किया है। वैसे शब्द की तीन प्रमुख शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जायसी ने तीनों का ही प्रयोग अपने काव्य में किया है, लेकिन खासियत उनकी ये रही है कि जायसी ने विषय या प्रसंग के अनुसार शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। जहाँ जायसी ने सामान्य कथन, वर्णन या प्रकृति चित्रण किया है, वहाँ जायसी अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं और ऐसे स्थलों की भी काफ़ी व्यापकता हमें पद्मावत में अवश्य दिखती है।
दूसरी ओर जहां पर जायसी ने नागमती के वियोग का वर्णन किया है, जहां पर पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया है, संयोग वर्णन, नक्षिक वर्णन, सद्यस्नाता वर्णन आदि प्रकार का वर्णन जहां पर किया है, वहां पर लक्षणा के लाक्षणिक सौंदर्य को हम भली भांति देख सकते हैं। तो जहां पर नागमती और पद्मावती के सौतिया दाह को व्यक्त किया है, रत्नसेन पद्मावती के संयोग के क्षणों को व्यक्त किया है, जहाँ पर लक्ष्मी समुद्र खंड की व्यंजना हुई है, ऐसे स्थानों पर जायसी ने व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह है कि तीनों ही शब्द शक्तियों का प्रसंग, विषय, भाव आदि के अनुसार मार्मिक प्रयोग, ये जायसी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। पांचवा है गुणों का प्रयोग। जायसी के काव्य में गुणों का भी अत्यंत मार्मिक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तीनों प्रमुख गुण ओज, माधुर्य और प्रासाद, इन तीनों का अत्यंत प्रभावी, अत्यंत मार्मिक प्रयोग जायसी के काव्य में हुआ है। खास करके जहाँ पर युद्ध का वर्णन है, रत्नसेन की वीरता का वर्णन है, पद्मावत या पद्मावती द्वारा अलाउद्दीन के चंगुल से रत्नसेन के छुड़ाने की बात है, सुली का प्रसंग है, इन सब में हमें ओज गुण जो है वह व्यापक मात्रा में दिखता है। तो दूसरी ओर मान सरोवर का सौंदर्य वर्णन, सिंहल द्वीप का वस्तु वर्णन, सती प्रसंग आदि में हमें प्रसाद गुण दिखाई देता है। तो तीसरी ओर रत्नसेन पद्मावती का श्रृंगार, पद्मावती का सौंदर्य वर्णन, नागमती का विरह वर्णन आदि में माधुर्य गुण की अनुपम छटा दिखाई देती है। कुल मिलाकर तीनों ही प्रमुख गुणों का प्रसंग और परिस्थिति एवं भावों के अनुसार अत्यंत सुंदर परिपाक, अत्यंत सुंदर वर्णन हमें जायसी के काव्य में मिलता है। अंतिम है भाषागत प्रयोग। तो जायसी के काव्य में कुछ भाषागत प्रयोग, या उसे हम भाषागत दोष भी कह सकते हैं, ये भी कुछ मात्रा में दिखाई देते हैं। यद्यपि इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में वह हम देख सकते हैं। जैसे एक है पुनरुक्ति दोष। कुछ स्थानों पर जायसी ने शब्दों की बार बार आवृत्ति की है, जो अनावश्यक सी लगती है। दूसरी ओर कुछ स्थानों पर जायसी ने एक ही उपमा का अनेक बार प्रयोग किया है, जिससे उसकी चमक थोड़ी सी नष्ट हो गई है। तीसरा, कुछ स्थानों पर जायसी ने अरोचक प्रसंगों का अनावश्यक रूप से विस्तार भी किया है। चौथा है न्यून पदत्व दोष, मतलब कोई चीज जितने शब्दों में व्यक्त करनी चाहिए वास्तव में वह उन्होंने उतने शब्दों में व्यक्त नहीं की है, इसे न्यून पदत्व दोष कहते हैं, ये भी कुछ मात्रा में आया है। विभक्ति, सर्वनाम, अव्यय, इनके प्रयोगों में भी कुछ स्थानों पर हमें दोष दिखाई देते हैं। तो कहीं कहीं लिंग, वचन, काल, इनके प्रयोग में भी दोष आ गए हैं। तो कुल मिलाकर थोड़े से दोष निसंदेह हमें पद्मावत में देखने को मिलते हैं, लेकिन एक बात है कि जितने गुण, जितनी विशेषताएं या जितनी सुंदरता हमें जायसी के काव्य में दिखाई देती है, उनकी तुलना में ये दोष बहुत कम है। यही कारण है कि जायसी को अद्भुत सौंदर्य का पारखी कवि कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने भाषा के महत्व को, भाषा की कारीगरी को भली भांति समझा, भली भांति जाना, और इसी कारण उन्होंने बोलचाल की भाषा को भी एक अत्यंत आकर्षक भाषा बना दिया है, एक अत्यंत सुंदर भाषा बना दिया है, जिस माध्यम से वे अपने भाव, अपने विचार, अपने सारे मत मतांतर या मत, इनको अत्यंत मार्मिकता के साथ या अत्यंत प्रभावी रूप से यहाँ पर व्यक्त कर पाए हैं। कुल मिलाकर इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जायसी की भाषा बहुत ही मधुर है, उसका माधुर्य निराला ही है, संस्कृत की कोमलकांत पदावली पर वह अवलंबित नहीं है, उसमें अवधि अपनी निज स्वाभाविक मिठास लिए हुए है। निसंदेह जायसी का काव्य सौंदर्य का काव्य है, जायसी की भाषा अत्यंत सुंदर, प्रभावी, मार्मिक भाषा है, आकर्षक भाषा है, जो कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्णतः सक्षम है। भले ही उन्हें वाणी का डिक्टेटर तो न कहे, लेकिन उनकी भाषागत कारीगरी किसी डिक्टेटर से कम भी नहीं है। धन्यवाद।